नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल दाकर। तो किसान मित्रों, हमने काली बस्सी और थ्रिप्स के बारे में आपको बता दिया है। एक और कॉमन समस्या है जो किसान मित्रों के मैं कमेंट पढ़ रहा था, उसमें मुझे बहुत सारे जो किसान मित्र हैं उनके द्वारा पूछा गया है कि भैया जलेबी रोग का क्या कारण है, उसका क्या उपचार है वो बताएं। तो किसान मित्रों, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये लहसुन का पौधा है और ऊटी वेराइटी का पौधा है और इसके अंदर जलेबी रोग की समस्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो पत्ते हैं वो मुड़ गए हैं। बहुत सारी जगह इसको जलेबी रोग बोला जाता है, कहीं पर इसे, जैसे अगर मालवा साइड जाएंगे तो उसे बांकड़े बोला जाएगा और कहीं पर इसे चूड़ा मुड़ा बोला जाता है। तो किसान मित्रों, इस रोग के क्या कारण हो सकते हैं, ये लहसुन के अलावा प्याज में भी देखा गया है, क्या इसके कारण है और क्यों ये फैलता है, वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किसान मित्रों, मैं इसके सभी जो कारण हैं वो बताने वाला हूँ आपको। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल पर हम इसी प्रकार से लहसुन से जुड़ी हुई बहुत सारी नई नई जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब किसान मित्रों, हम इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, आप हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और तो किसान मित्रों, बात कर लेते हैं इसके क्या संभावित कारण है। तो किसान मित्रों, अगर इसके संभावित कारणों की अगर हम बात करें तो ये जो पौधा, ये जो आप देख रहे हैं, ये चूड़ा मुड़ा फैला है और ये लगभग, ये समझ लो लगभग आपकी जो लहसुन है वो 40 दिन की उम्र क्रॉस करती है, उसके बाद ये समस्या हमें देखने को मिलती है। तो किसान मित्रों, अब इसके कारणों की बात कर लेते हैं, क्यों ये फैलता है, मतलब लहसुन में आने की कोई वजह तो होगी, क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये फैलता है। तो सबसे पहला कारण मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो बीज लगाया है लहसुन का, जब आपने बीज लगाया है वो आप जो कलियाँ आपने करी वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रह गई। जैसे कि आपने 1 तारीख को कोई लहसुन की चुपाई करी या 1 तारीख को आपने लहसुन की बुआई करी, और अगर आपने जो कलियाँ हैं वो लगभग 15 दिन पहले आपने कर ली, जैसे कि 15 तारीख के आसपास कर ली और अगली जो 1 तारीख आ रही है वहाँ पर आपने लहसुन की चुपाई करी, तो वो 15 दिन का जो गैप है वो सही नहीं होता है। होता क्या है, एक ये कहा जाए कि कलियाँ तुरंत करो, तुरंत लगाओ, तो वो एक संभावित कारण है। बासी अगर आपकी कलियां रह जाती है तो ये जो रोग है वो आपको दिखता ही दिखता है, आपका जो प्लॉट है वो पीला पड़ता है और इस प्रकार की समस्याएं आती है, और ये मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है और फेस भी किया है। किसान मित्रों, अगर दूसरे कारण की बात करें तो दूसरा कारण होता है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये प्लॉट है वर्ष 2022 में, मतलब इस वर्ष मैंने इस प्लॉट को लगाया, मतलब इस लहसुन को लगाया, और इसका जब बीज तैयार होगा और इसी बीज को जब मैं अगले वर्ष उपयोग करूंगा तो हो सकता है उस प्लॉट में भी ये जो चूड़ा मुड़ा या जलेबी रोग की समस्या देखने को मिले। तो आपने देखा होगा ये बीज से बीज में, या जैसे कि बीज में बीज के कारण भी फैलता है, तो दूसरा कारण ये होता है। अब किसान मित्रों, तीसरे कारण की हम बात करें, अगर लहसुन के अंदर, उसके अंदर जड़ के अंदर कोई समस्या है, जड़ के अंदर कोई भी समस्या हो, चाहे वो फफूंद जनित हो या फिर उसके अंदर कीड़े वगैरह की समस्या है या जड़ का विकास प्रॉपर नहीं हुआ है, तब भी ये समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि जड़ ही पूरा जो है, ये जड़ ही होती है जो इस पौधे को पूरा न्यूट्रिशन, उसका खाना पीना पहुंचाती है। अगर जड़ ही सही नहीं रहेगी तो ये पौधा ऊपर से कमजोर हो जाएगा और इसकी जो पत्तियां हैं वो मुड़ने लगेगी, तो ये भी एक कारण होता है। अब किसान मित्रों, चौथे कारण की हम बात करते हैं, तो चौथा कारण क्या हो सकता है, तो चौथे 2 कारण होते हैं। पहला, अगर बैक्टीरियल अटैक होता है, मतलब जो एक बैक्टीरिया के द्वारा अटैक किया जाता है, तो उसके अंदर भी चूड़ा मुड़ा आता है या जलेबी रोग आता है, या फिर आपके यहाँ पर जो थ्रिप्स है, अभी तो खेतों में थ्रिप्स नहीं आए हैं, पर अगर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर थ्रिप्स का अटैक है तब भी ये रोग फैलता है। तो किसान मित्रों, ये 4 कारण हो गए, बैक्टीरियल डिसीज़ और चौथे थ्रिप्स को मैंने एक ही कारण समझा है, तो अब ये 4 कारण हो सकते हैं। अब किसान मित्रों, इसके उपाय की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके उपाय हैं, तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको उपाय भी पता लगने वाले हैं। किसान मित्रों, ये जो समस्या है ये मेरे स्वयं के यहाँ पर भी है, मैंने भी इस समस्या को फेस किया है। कुछ क्यारियाँ हैं जो जिसका बीज अलग है उसके अंदर ये समस्या मुझे मेरे यहाँ पर ऊटी के प्लॉट में देखने को मिल रही है। उसका मैंने कुछ उपचार किया है, वही जानकारी मैं आपके साथ अब साझा करने वाला हूँ। किसान मित्रों, अब इसके उपचार की बात कर लेते हैं, तो मैंने आपको बताया आपको बैक्टीरियासाइड के साथ साथ में एक फंगीसाइड का उपयोग करना है और साथ में आपको एक प्रकार का कोई भी अच्छा वाला टॉनिक को उपयोग करना है। मैं इसमें कुछ टॉनिक आपको बताने वाला हूँ, वो आप उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको इस पर कवर मिलने वाला है। किसान मित्रों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं, एक कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूँ वो आपको उपयोग करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो जो 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है, बैक्टीरियासाइड प्लस फंगीसाइड, तो उसमें आपको मिलेगा धानुका कंपनी का एक कोनिका करके एक प्रोडक्ट आता है, जिसमें कॉम्बिनेशन आता है कासुगोमाइसिन प्लस कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का। आप इसका उपयोग करेंगे अगर 100 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से। साथ में आपको उसमें एक टॉनिक उपयोग करना है पोषक सुपर कृषि रसायन का, जो आता है वो सबसे बेस्ट उपयोग है, वो आप उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर साथ में अगर आप इसमें, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप इसमें
आपके खेत में अगर थ्रिप्स वगैरह की शिकायत है तो आप इसमें एमिडा क्लोरोपीड को आप उपयोग कर सकते हैं। और किसान मित्रों, अगर आपको धानुका का कोनिका नहीं मिल रहा है तो धानुका का एक और प्रोडक्ट आता है कासू बी के नाम से, वो आपको उपयोग करना है। उसके ही साथ में जैसे कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ब्लू कॉपर आता है क्रिस्टल कंपनी का, साथ में एक और चीज़ आती है टाटा कंपनी में जाए तो टाटा में ब्लीटॉक्स के नाम से आता है, धानुका में धानुकॉप के नाम से आता है। कासू बी के साथ में आपको जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है वो आपको मिलाना है, वो आपको स्प्रे करना है। साथ में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको जो टॉनिक है पोषक सुपर वो आपको उपयोग करना है। और किसान मित्रों, अगर पहली बार में अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप अगर 100% क्योर हो जाता है तो आपको सेकेंड स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फिर भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है और आपको थोड़ी बहुत समस्या रह जाती है तो आपको कृषि रसायन का प्रिवेंटल करके एक बैक्टीरिया साइड आता है वो आपको उपयोग करना है। किसान मित्रों, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, उसको मैं आपको उपयोग करने का तरीका बताता हूँ। तो वो एक प्रकार का बैक्टीरिया साइड है, अगर आप उसको मेरे बताए गए तरीके से अगर आप उपयोग करेंगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आपके यहाँ पर बहुत अच्छे से वो रिजल्ट देंगे। तो आपको क्या करना है कि जो कृषि रसायन का, जैसा कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं, इस प्रकार का एक प्रोडक्ट आता है प्रिवेंटल, इसका नाम है, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया साइड है। अगर आप इसको लेंगे 100 ग्राम अगर बैक्टीरिया आपने ये लिया है और उसको आपने 1 लीटर छाछ के अंदर मिलाया और वो जो छाछ है अगर आपने वो घोल में, जैसे कि आपने 100 ग्राम लिया और उसको 1 लीटर छाछ में मिलाकर उसका घोल बनाकर आप स्प्रे करेंगे पानी के साथ में मिलाकर के, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको वही मिलाना है मैंने आपको बताया पोषक सुपर, या फिर अगर आप फेंटेक वगैरह जो आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं जो टॉनिक का काम करते हैं, वो अगर आप मिलाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने मिलेगा। अगर आपके यहाँ पर थ्रिप्स की समस्या है, थ्रिप्स की बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आप इसमें एमिडा भी आप मिला सकते हैं। किसान मित्रों, किस प्रकार से रिजल्ट आपको मिलता है मैंने आपको बता ही दिया है, आपके साइड में चल ही रहा था, किस प्रकार से आपको इस पे ऊपर रिजल्ट मिलता है आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो अच्छा लिखिएगा, अगर आपको बिल्कुल रिजल्ट इस चीज़ का नहीं मिलता है तब भी आप जरूर लिखिएगा। तो किसान मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही किसान मित्रों तक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।